हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारियां नूं। वेलकम आ तुहाडा साडे चैनल हैप्पी पंजाबी गाय दे विच। अज आपां बनाउण लगे हां जी आलू वाले परौंठे। ते आपां सिंपल तरीके नाल आलू वाले परौंठे ही बनाउणे आ। इहदे लई आपां जिहड़े आलू आ उहनां नूं पहलां वाश करके चंगी तरह उबाल लिए। आपां इह उबले हुए आलू ले आ, 6 आलू ने इह। ते इधर एक आपां प्याज आ जिहड़ा उह बरीक बरीक कट लिए। इधर धनिया है, इधर आप ले काली मिर्च, इधर आप सेंधा नमक, गरम मसाला ते लाल मिर्च। हुण आपां मैश करदे आ, इहदा पेस्ट बनाउने आ, ते फिर आप बनाउने आ आलू वाले परौंठे। हाँ जी, हुण आप आलू ने जिहड़े वो इदां कद्दूकस कर ले आ। आपां मैश नहीं कीते हैगे, मैश करन दी बजाय इदां कद्दूकस कर ले। ते बड़े आपां सिंपल तरीके नाल तुहानूं आलू वाले परौंठे बनाउने दस रहे हां। तुसीं देख सकदे हो इहनूं आपां इदां ईजीली कद्दूकस कर लेणा जी। हुण आपां आलू जिहड़े आ ग्राइंड कर ले आ जी। ते हुण आपां इहदे विच पाउने आ नमक स्वाद अनुसार, जिन्ना तुहानूं वधिया लगदा जी। आपां 1.5 चमचा पाया सेंधा नमक आ, इह ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं हुंदा। नाल ही आपां इहदे विच पा दिंदे आ कालियां मिर्चां। ते नाल ही लाल मिर्च, ते नाल ही आपां पा दांगे गरम मसाला। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਪਿਆਜ। ਪਿਆਜ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਜ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨੀਆ ਹਰਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1/2 ਚਮਚਾ ਜੀਰੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਧਰ ਆ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੇੜਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਵੇਲੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੇ ਲਾ ਕੇ
देसी घी यूज किया आप, फिर वो रोटी बाइंड हो जूगी तो इनू ये आप जोड़ देना इदा। तो हम फिर आप बेल देंगे। तो इदा तुसी मटीरियल भी ज़्यादा पा सकते हो बिच। तो हम इनू दोबारा फिर बेल देंगे जी आप। तो असी इदा खाने, तुसी भी दस्यो सारे जने कि लाइक कर दियो। असी इदा जोड़ के भी बनाने तो दूजी तरह भी बना लई दी। तो हुण इहनू आपां बेल लिया चंगी तरह। तो हुण उधर अपना तवा गर्म है, तो उधर पा दिंदे आ रोटी। तो पतले आ पेड़े आपां बहुत छोटे छोटे लए, बहुत वधिया टेस्टी बनती है जी इदा। आटा नहीं ज़्यादा लिया आपां, पेस्ट ज़्यादा पाया जी इहदे। तो हुण इहनू आपां सिम ते राड़दे आ। हाँ जी, हुण आपां तुहानूं दूजी तरह भी बना के दसदे आ। जे आप जोड़ के इदा नहीं लाइक करते तो इदा सिंगल भी बना सकते हो। तो उधर अपनी रोटी वो रड़ रही है। तो इधर आप रोटी बेलते हैं। तो आप घे ला दें। तुसी ये बटर लाना चाहते हो बटर भी ला सकते हो। आप घे लाया, अपने जो गैस है वो मीडियम ते आ, ज़्यादा नहीं किया। फिर ज़्यादा तेज ना एकदम रोटी मच जाती है, वो खाने को वधिया नहीं लगती, टेस्ट वधिया नहीं आता जी उहदा। प्याज पाउण करके भी रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है, तो एक वखरा जिहा टेस्ट आता। तुसी भी इदा जरूर ट्राई करके देखियो। तो हुण इहनू आपां चंगी तरह राड़ लैने। देखो चंगी तरह कितना बढ़िया कलर आया ही रोटी का। तो नाल ही आपां वो दूजी रोटी बेल ली है थोड़ी जी। तो उहदे विच आपां इदां पेस्ट पा लेना है। तो आपां इहनू इदां बना लेना है। आपां घी वगैरह कुछ नहीं लाया इहदे विच। ते हुण इहनू आपां बेल लैने। तो रोटी अपनी रड़ गई है। तो तुसी दोनों तरह बना सकते हो। वो आपां डबल बना के बनाया जी परौंठा, तो ये रोटी, तो ये आपां सिंपल एक पेड़ा लैके बनाई है जी। दोनों तरह स्वाद लगती है। तुसी भी दस्यो तुहानू किदां वधिया लगती है सारे। तुसी देख सकते हो एन परौंठा रड़ गया, सिम ते रड़िया, तो उधर वो दूजा भी पाता है आपां। ते इहनू एन सिम ते चंगी तरह रड़िया। जे आपां फिर तेज गैस ते रड़दे हो एकदम मच जांदी है रोटी। हाँ जी, आप ट्राई किए जी एक बुरकी हूँ ली आ, बहुत टेस्टी बने जी परौंठे, लूण मिर्च भी सारा कुछ बहुत वधिया वा। हाँ जी, हूँ जो आप दूजी तरह बनाया सी गई रोटी परौंठे आलू दे, वो भी बन गए आ, रड़ चुकी आ। तो तुसी भी इस तरह ट्राई करो जी, तो सानू दस्यो भी तुहाडे किद्दां दे बने प्याज पा के। तो ईजी जी रैसपी बनाई है, आप बाला कुछ नहीं पाया ये जी।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਅਸ।